गाजा में अब सारे प्रतिरोधी समूह एक साथ मिलकर इसराइल के ऊपर टूट पड़े हैं, चाहे वो हमास की अल कासिम ब्रिगेड हो, अल कुद्स ब्रिगेड हो या फिर फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ग्रुप। ये सभी एक नई रणनीति के साथ आईडीएफ के ऊपर हमलावर हैं। ये सभी इजरायली सेना के ऊपर बारूद बरसा रहे हैं और इन हमलों को देखकर अब ऐसा लगता है कि गाजा युद्ध एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां से इजरायली सेना अब आगे नहीं बढ़ सकती है, बल्कि उल्टा हमास दोबारा से दोगुनी ताकत के साथ आईडीएफ के ऊपर हावी होता जा रहा है। दरअसल हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड ने मार्स मिलिट्री साइट पर इकट्ठा हो रहे इजरायली सैनिकों के ऊपर शॉर्ट रेंज रजूम रॉकेट से एक बड़ा हमला किया है। और जब ये हमला हो रहा था तो उसी वक्त खान यूनिस के पूर्व में अल कासिम ब्रिगेड ने इजरायली सैनिकों के जमावड़े पर एक ड्रोन हमला कर दिया, जिसमें इजरायली सेना को भारी नुकसान होने की खबर है। वहीं दूसरी तरफ राफा में इस्लामिक जिहाद की सैन्य शाखा अल कुद्स ब्रिगेड ने दक्षिणी राफा के तलल सुल्तान में ताबड़तोड़ तरीके से इजरायली सैनिकों के टैंकों को उड़ा दिया है। अल कुद्स ब्रिगेड का कहना है कि उसने आईडीएफ के दो टैंकों पर आरपीजी रॉकेट बरसाए हैं। अल कुद्स ब्रिगेड ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। अल कुद्स के इस वीडियो में दिख रहा है कि दूर मलबे के बीच आईडीएफ के दो टैंक खड़े हैं, जिनके ऊपर अल कुद्स के लड़ाके एक खंडर पड़ी इमारत के भीतर से घात लगाते हैं और इसके बाद ये दोनों लड़ाके इस खंडहर से निकलकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। खंडर की छत से इन दोनों टैंकों पर आरपीजी रॉकेट दाग दिए जाते हैं, जिसमें जोरदार ब्लास्ट होता है। और इस हमले के बाद आईडीएफ का एक बुलडोजर टैंक को खींचकर ले जाता हुआ दिख रहा है। इस हमले के बाद उत्तर पूर्व खान यूनिस के अलमारिस स्कूल और अल समीरी में भी इजरायली सेना प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी अल कुद्स के लड़ाके इन सैनिकों पर भी मोर्टार गोलों का एक जत्था फायर कर देते हैं। अल कुद्स का कहना है कि जब उसने आईडीएफ पर हमला किया तो उसके कुछ ही देर बाद वहां पर आईडीएफ का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उतरता हुआ दिखा। अल कुद्स का कहना है कि उसने नेटजरी मैक्सिस में भी अब्दुल कादिर अल हुसैनी ग्रुप के साथ मिलकर इजरायली सैनिकों पर 107 एमएम के रॉकेट दागे हैं। हालांकि इन हमलों के बीच इजरायली सेना की बंधकों की रिहाई को एक तगड़ा झटका लगा है। दरअसल अल कासिम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा का कहना है कि इस लड़ाई के दौरान इजरायल का एक बंधक मारा गया है। अबू उबैदा का कहना है कि जिस लड़ाके को उस बंधक की सुरक्षा में लगाया गया था, उसी लड़ाके ने इजरायली बंधक की जान ले ली है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इजरायली सेना के हमले में उसके दो बच्चे मारे गए थे, जिसकी वजह से प्रतिशोध की भावना में आकर उसने ऐसा कदम उठाया। हालांकि अबू उबैदा ने कहा कि हमारे सिद्धांत बंधकों के साथ ऐसा बर्ताव करने की अनुमति नहीं देते हैं और बंधकों की जान को अगर कोई भी खतरा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदार खुद इजरायली सेना होगी।